हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो फर्स्ट लेक्चर वाज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम सेकेंड लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है इसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड इज टेम्परेचर एंड फोर्थ इज कैटलिस्ट, है ना। तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट के बारे में डिटेल आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम जनरली जो थोड़ा है इसमें हमारे सिलेबस में उसको हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे कैटलिस्ट वाला हमको आगे भी मिलेगा। तो वन बाई वन करके देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे ये फैक्टर्स जो हैं रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला इसमें फैक्टर है जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में पहला इसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। जैसे हम इसमें ले लें फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है कि गैसियस स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है। तो रेट ऑफ रिएक्शन उसमें भी जो है रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड स्टेट का जो है अलग हो जाएगा, लिक्विड स्टेट का अलग हो जाएगा, गैसियस स्टेट का अलग हो जाएगा। एक ही रिएक्टेंट अगर अलग अलग फॉर्म में है तो उसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होता है, गैसियस स्टेट। तो इसको ऐसे लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन गैसियस स्टेट का सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड स्टेट का, फिर सबसे कम होगा जो सॉलिड स्टेट का। तो गैसियस अगर रिएक्टेंट जो है सेम रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है तो गैसियस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा और लिक्विड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। फिर दूसरा इसमें लिखते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट में दूसरा पॉइंट होगा केमिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब केमिकल स्टेट में क्या देखेंगे, जैसे हम दो यहाँ पे रिएक्शन दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ देखिए जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में पहला पॉइंट हमने लिया फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में केमिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट। तो केमिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट को समझने के लिए ये फैक्टर्स कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, इसमें दो पॉइंट लिया है हमने, दो रिएक्शन लिया है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, NO2 बना रहा है, और मेथेन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है सेकेंड रिएक्शन से ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये ज़्यादा होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट इज मोर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इक्वेशन सेकेंड। कैसे इस पे देखो, इस ये जो पहला वाला केमिकल रिएक्शन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन दूसरे वाले से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वन बॉन्ड रहेगा, तो और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। तो वन बॉन्ड को ब्रेक करने में यहाँ केवल वन बॉन्ड ब्रेक करना है, तो यहाँ कितना 4 बॉन्ड ब्रेक करना है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे 4 बॉन्ड रहेंगे, यहाँ पे क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये क्या होगा, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट वाले केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड केवल ब्रेक करना है, यहाँ पे 4 बॉन्ड ब्रेक करना है, बाकी दोनों के लिए सेम है, यानी कि सेम टेम्परेचर पे
रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज मोर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकेंड रिएक्शन, बिकॉज हियर ओनली वन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड हियर इज फोर बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये केमिकल स्टेट में आप डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन ले सकते हैं और उसमें दिखा सकते हैं, जहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग जो है रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा तो वहाँ पे उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जहाँ पे कम होंगे बॉन्ड ब्रेकिंग कम होगा उस रेट ऑफ रिएक्शन से स्लो होगा। तो यानी फर्स्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग कम है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा है। तो ये हमने दिखा कि दूसरा यानी कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में पहला पॉइंट यहाँ था फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा पॉइंट केमिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये केमिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो और फिर हम थर्ड लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। इसको समझने के लिए आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं जो भी रिएक्शन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, यानी उनके बीच में कोलिजन होता है, और कोलिजन के फलस्वरूप ही, कोलिजन के बाद ही जो रिएक्शन होता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि जब यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल यानी नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, जब नंबर ऑफ़ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो उनके बीच में कोलिजन भी बढ़ जाएगा, और जब उनके बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो होता है कि मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हमेशा होता रहता है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा उसमें मतलब हर कोलिजन के बाद रिएक्शन होता है, जो उसमें जो रिएक्शन जब होता है तो उसके लिए इफेक्टिव कोलिजन होता है। तो रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है इफेक्टिव कोलिजन, यानी इफेक्टिव कोलिजन के बाद ही रिएक्शन होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ जाएगा तो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो उनका कोलिजन यानी नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा, जब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी इफेक्ट कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसके फलस्वरूप रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और फिर थर्ड है टेम्परेचर, थर्ड इज टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर में आप कहेंगे कि एक्सोथर्मिक के लिए अलग होगा, एंडोथर्मिक के लिए अलग होगा, नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फॉर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर उसमें जो है इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के दोनों रिएक्शन के लिए वो जो है रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो अलग तरीके से नहीं हैंडल करता, बल्कि एक ही तरीके से हैंडल करता है। तो यानी इसको जनरली आप कह सकते हो कि जब 10 डिग्री सेल्सियस जब किसी केमिकल रिएक्शन यानी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर जो है उसका तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। जनरली किसी रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डबल हो जाता है, यानी 2 times हो जाता है। तो ऑन एवरी राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेड 2 times। और फिर इसके बाद कैटलिस्ट का ये फोर्थ है, कैटलिस्ट
कैटलिस्ट में अब यहाँ देखो, हम आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी समझना पड़ेगा कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। तो आप जानते हैं कैटलिस्ट क्या करता है, वो रिएक्शन में विदाउट पार्टिसिपेट, रिएक्शन में विदाउट पार्टिसिपेट किए वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो कैटलिस्ट टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, जनरली हम पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर किसी रिएक्शन में हम पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम निगेटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करता है। तो जनरली यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे एक टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को एक्टिव होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। इसको हम कैटलिस्ट वाले चैप्टर में, आगे वाले चैप्टर में हम उसके वहाँ पर होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिटेल हम जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इतना ही समझ लीजिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, और निगेटिव कैटलिस्ट जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को इनक्रीज कर देता है। तो इसलिए जब हम पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब हम निगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, निगेटिव कैटलिस्ट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो ये चारों इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला हमने बताया नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा हमने बताया कि कैटलिस्ट। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।